जिस तरह की इंग्लैंड ने बैटिंग की, वो खुद भी कोई भी बॉलर होता वो हर तरह की बॉलिंग को अटैक करने के लिए आए थे। फिल सॉल्ट की दाद देनी पड़ेगी, शुरू से आते ही फिल सॉल्ट एग्रेसिव अंदाज में खेलते रहे वो और एक माइंड बनाकर आए थे। रियली अमेजिंग, इस तरह का पावर प्ले बहुत ही कम देखने को मिलता है और मेरे ख्याल से हमारी पाकिस्तानी टीम को कुछ थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन लेना चाहिए। अच्छी क्रिकेट हो रही है, दोनों टीमों में क्वालिटी प्लेयर्स है, दोनों टीमों में स्टार प्लेयर्स है, पाकिस्तान टीम के साथ फैंस कनेक्ट है, फील कर रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग जियो डिजिटल। पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज का आज छठा मैच खेला गया है और इस सिक्स मैच में इंग्लिश टीम ये मैच अपने नाम कर चुकी है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अब सातवां मैच यानी फिनाले संडे को होगा। आज के मैच में इंग्लिश टीम बाजी ले गई है और अब जो संडे को मैच होगा वो एक डिसाइडर के तौर पर देखा जाएगा कि आखिर इस सीरीज का बादशाह कौन है। लाहौर के स्टेडियम में आज काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिला, इंग्लिश टीम के बैटर्स की जानिब से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली और साथ साथ आगे क्या होगा, क्या होने वाला है और आज का मैच किस तरह रहा। फैजान लखानी ने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है लाहौर के स्टेडियम से। अस्सलाम वालेकुम फैजान, कैसा रहा आज का मैच, किस तरह एंजॉय किया आपने आज के मैच को? वालेकुम सलाम, गदाफी स्टेडियम में हूँ मैं, आपने नेशनल स्टेडियम कह दिया, बट है ना मैच अच्छा रहा और आई मीन क्रिकेटिंग वाइज अच्छा मैच रहा, बट ऑफकोर्स पाकिस्तान के लिए कतई अच्छा मैच नहीं रहा। बिल्कुल ये कह लें कि एक यकतरफा मुकाबला रहा और इंग्लैंड ने इस मैं पाकिस्तान को चुका दी थी। फिल सॉल्ट की दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की और शुरू से आते ही फिल सॉल्ट एग्रेसिव अंदाज में खेलते रहे वो और एक माइंड बनाकर आए थे कि आज एग्रेशन में अपना एक्सेलरेशन फुल लेते हुए जाना है और अपने आप को टेस्ट करना है कि कितना वो पावर प्ले में कितना स्कोर कर सकते हैं, कितनी तेज रफ्तारी से, कितनी बग रफ्तारी से स्कोर कर सकते हैं। तो ये लग रहा था कि इंग्लैंड इस जहन बना के आई है कि जितना भी टोटल हो उसको बड़े रन रेट के साथ चेस करने की कोशिश करनी है। बिल्कुल फैजान, एक्चुअली नेशनल स्टेडियम का नाम इस तरह आ रहा है क्योंकि क्रेजी फैंस जो नेशनल स्टेडियम में जो शोर शराबा हो रहा था उसका फीवर अभी तक मुझसे नहीं उतरा है। वेल फिल सॉल्ट की आपने बात की, ही इज बिन अनस्टॉपेबल, रियली अमेजिंग और पावर प्ले जो इंग्लिश टीम का था दैट वॉज रियली यू नो इनक्रेडिबल। इस तरह का पावर प्ले बहुत ही कम देखने को मिलता है और मेरे ख्याल से हमारी पाकिस्तानी टीम को कुछ थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन लेना चाहिए। बाबर आजम की हम बात करते हैं आज, चूंकि रिजवान रेस्ट पर थे तो बाबर आजम की तरफ से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को हमें मिली, लेकिन उसके साथ साथ फैजान कहा जा रहा है कि जो मोहम्मद हारिस का जो डेब्यू था आज, उन्हें एज ओपनर भेजा गया तो कुछ ट्वीट्स मेरी नज़रों से गुजरे उनके मुताबिक ये था कि शान मसूद को ओपन करना चाहिए था, मोहम्मद हारिस का डेब्यू था उन्हें ओपनिंग के लिए नहीं भेजना चाहिए था। व्हाट डू यू थिंक, मोहम्मद हारिस कैसे लगे आज आपको उनके डेब्यू में? यार पहला मैच है हारिस का, इट्स टू अर्ली टू जज हिम, उसको इस एक मैच की बुनियाद पर ना ही आप उसको ब्रश असाइड कर सकते हैं और इस एक मैच की बुनियाद पर ना ही किसी को आप हीरो कर सकते हैं। आपको भी देखें मौका दे प्लेयर्स को, तसलसल के साथ खेलने का मौका दे, ये नहीं होना चाहिए कि प्लेयर को आपने एक ही मैच में अगर परफॉर्म नहीं कर सका तो आपने उसको साइडलाइन कर दिया। बिल्कुल, साथ साथ पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से बात करें तो क्योंकि इंग्लिश टीम जो है वो टॉस जीत चुकी थी और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और 170 रन्स का टारगेट दिया गया था, लेकिन चूंकि जब हम बॉलिंग की तरफ आएँ तो शादाब बहुत आज लाइमलाइट पे थे। शैडी एज अ फैन अगर मैं उन्हें बुलाऊं तो शैडी वाज लाइक अ सुपरस्टार फॉर टुडेज मैच, स्पेशली फॉर द बॉलिंग पॉइंट। शैडी ने दो विकेट्स लिए और थोड़ी एनर्जी पाकिस्तानी फैंस को दी, बिकॉज जब इंग्लिश टीम मैदान में उतरी बैटिंग के लिए तो देवर ऑन फायर सीरियसली। तो बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या जज किया आज? देखिए जिस तरह की इंग्लैंड ने बैटिंग की वो खुद भी कोई भी बॉलर होता वो हर तरह की बॉलिंग को अटैक करने के लिए आए थे। ये लग रहा था कि इंग्लैंड ने ये जहन बनाया हुआ है कि बस अटैक करना है पाकिस्तान के खिलाफ और तेजी के साथ, और कहीं भी उन्होंने अपने रन बनाने की रफ्तार को कम नहीं होने दिया। चाहे पावर प्ले में तो खैर उन्होंने 82 रन बनाए जो पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर है, इससे पहले 69 था पावर प्ले स्कोर किसी भी टीम का पाकिस्तान के अगेंस्ट, ऑल्सो इंग्लैंडी टीम थी वो। तो जिस तरह इंग्लैंड ने खेला वो मुझे ये लग रहा है कि कोई भी बॉलर आप यहाँ पे आप सामने रखते, ऑल्दो आज पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं था, आपने रिजवान को भी रेस्ट दिया, हारिस रऊफ को भी रेस्ट दिया, तो फुल स्ट्रेंथ पाकिस्तान की नहीं थी, नसीम को भी आप मिस कर रहे हैं फॉर मेडिकल रीजन। तो ये हमारी बेंच स्ट्रेंथ तकरीबन एक तरह से खेली थी, खासतौर पर बॉलिंग में इनको आपने मौका दिया, ठीक है हो जाता है, पाकिस्तान आज उस अंदाज में नहीं कर सका, बट यही बॉलिंग थी जिन्होंने हमें पिछला मैच जितवाया था, जिस तरह हमने पिछले मैच में डेथ ओवर से बॉलिंग की या जिस तरह पिछले मैच में हमने छोटा टोटल डिफेंड कर लिया था। तो देखिए क्रिकेट में हार जीत पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है,
हमें जहाँ अपनी चीज़ को करेक्ट करने की ज़रूरत है वो हमारा बैटिंग स्ट्रैटजी है विकेट को देखते हुए। 170 देखने को बुरा टारगेट नहीं लगता, बट ये टारगेट बड़ा हो सकता था, हम 200 क्रॉस कर सकते थे जिस तरह की विकेट प्ले कर रही थी आज। तो हमने जो बीच में जो हम स्लो डाउन करते थे ना, हमें पावर प्ले का मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहिए और रन बनाने की जो एक्सेलरेशन है ना उसको कम नहीं होना चाहिए, इस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और आई नो आई अंडरस्टैंड लोगों को लगता है कि बाहर से हम तनकीद करते हैं मशवरे देते हैं, बट दीगर टीमों की हम स्ट्रैटेजी देखें और जिस तरह दीगर टीमें खेल रही हैं और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलनी पड़ेगी तो हमें अपने स्ट्राइक रेट पर बड़ा काम करना पड़ेगा। यस एब्सोल्युटली। और जो आप टारगेट की बात कर रहे हैं तो बाबर आजम काफ़ी कोशिश में थे कि वो सेंचुरी करें और टारगेट को मजीद आगे बढ़ाएं, खैर ही कुडंट डू दैट बट स्टिल ही परफॉर्म्ड वेरी वेल। अच्छा लेट्स टॉक अबाउट इफ्तिखार, फैज़ान इफ्तिखार पर की परफॉर्मेंस को लेकर, उनकी बैटिंग को लेकर बड़ा वो क्रिटिसाइज करते हैं या उन्हें अंडर एस्टिमेट किया जाता है, तो आज उनकी जो एफर्ट थी वो कैसी लगी आपको? देखिए इफ्तिखार हमेशा इसी तरह के एक प्लेयर हैं, मुझे समझ भी नहीं आता क्यों उनको क्रिटिसाइज करते हैं, वो अपना टाइम लेते हैं और फिर वो एक्सेलरेट करते हैं। आज भी उन्होंने जहाँ जहाँ उनसे हो सका उन्होंने शॉट्स मारी और रन बना के दिए पाकिस्तान को। ऑस्ट्रेलिया में भी माजी में जब ये गए थे इसी तरह की इन्होंने इनिंग्स खेली थी, तो इफ्तिखार इतने बुरे प्लेयर नहीं है जितना उनको बना के पेश किया जाता है, तो मुझे तो कभी भी उनकी सलाहियतों पर कभी भी शुभ नहीं रहा। चलें जी बिल्कुल। अच्छा वैसे ये तो बताएं कि कराची के नेशनल स्टेडियम में मैच देखना और जो चार मैचेस आपने देखे और अब जो दो मैच आप कजाफी स्टेडियम में देख चुके हैं, कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको क्या? किस तरह की क्राउड इन्जॉय कर रही है या किस तरह का माहौल है वहाँ पर? यार लाहौर का क्राउड तो हमेशा, लाहौर के क्राउड को हम लाहौरियों को जिंदा दिलाने लाहौर ऐसे ही तो नहीं कहते ना, आज भी यहाँ पे फुल हाउस था, पिछले मैच में भी फुल हाउस था, तो कमाल का क्राउड था और अच्छी क्रिकेट के लिए चीयर किया, अच्छी दोनों टीमों के लिए चीयर किया। लाहौरियों ने फील्ड सॉल्ट के लिए भी तालियां बजाते रहे, उनके अच्छे शॉट्स, उनके छक्के चौकों को सेलिब्रेट करते रहे, तो अच्छा क्रिकेटिंग क्राउड था और अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट किया। तो अब तक जितने भी 6 मैचेस हो चुके हैं सीरीज के, 6 के 6 मैचेस, और ये बड़ा हिस्टोरिक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, कि 6 के 6 मैचेस में हिना हाउस फुल रहा है, तमाम स्टैंड भरे रहे, भरपूर अंदाज में क्राउड आई। और इसकी बड़ी अहम वजूहत है, एक तो पाकिस्तान टीम परफॉर्म कर रही है, टीम में एक साथ आपको बहुत सारे सुपरस्टार्स इस टीम में मिल गए, बाबर आजम है, शादाब है, फ़खर है, ऑल्दो ये सीरीज नहीं खेल रहे बट रिजवान है, बहुत सारे सुपरस्टार्स एक साथ इस टीम में आ गए जिनके लिए अब लोग चाहते हैं कि वी पे एंड वॉच देम, तो ये चीज़ बड़ी अहम है। और दो क्वालिटी टीमों का मुकाबला, ऑफकोर्स अच्छी क्रिकेट हो रही है, दोनों टीमों में क्वालिटी प्लेयर्स हैं, दोनों टीमों में स्टार प्लेयर्स हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन सबसे जो अहम बात है ना यहाँ पे मैं चलते चलते बताऊँ आपको, वो ये है कि पाकिस्तान टीम के साथ फैंस कनेक्टेड फील कर रहे हैं अब। यस बिल्कुल बिल्कुल अग्री करूंगी, वाकई बहुत कनेक्ट फील कर रहे हैं और वी कैन सी कि बहुत ज़बरदस्त हमारे स्टार्स इस वक्त क्रिकेट टीम में है, नसीम की बात करें, मोहम्मद हसनैन की बात करें, शादाब हो, और शादाब की जो क्यूटनेस स्टेडियम में होती है वो भी फैंस को बहुत अच्छी लगती है और आज भी इस तरह वो एक शरारती क्रिकेट प्लेयर हैं इस टीम में। वेल अब हम भी बहुत एक्साइटेड हैं, फैज़ान भी बहुत एक्साइटेड होंगे आई एम श्योर, और क्रिकेट फैंस एक्साइटेड होंगे फिनाले देखने के लिए इस सीरीज़ के जो कि संडे को होने वाला है कजाफी स्टेडियम में। एंड आई एम श्योर कि संडे को इस मैच के दौरान जो स्टेडियम है वो फैंस की जो शोर शराबे से वो स्टेडियम गूंज उठेगा और वी आर होपफुल कि संडे को हम तो यही चाहेंगे कि पाकिस्तान जीते। तो लेट्स सी किस तरह का मैच होगा, एक अभी तक तो सीरीज इक्वल हो चुकी है सो फाइनल में ही पता चलेगा। थैंक यू सो मच फैज़ान हमें एक बार फिर ज्वाइन करने के लिए लाहौर से। फैज़ान लखानी और हिना इदार को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।